दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह एवं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करने के लिए यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से होते हुए GM आवास, हरिओम नगर चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, छात्र संघ चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यातायात सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। किसी भी वाहन चालक द्वारा थोड़ी सी लापरवाही करने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या विकलांग हो सकता है। जीवन अनमोल है, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात ना करने, नियंत्रित गति से ही गाड़ी चलाने, इंडिकेटर का प्रयोग तथा वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा ना करने जैसे नियमों का पालन अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, हम प्रतिज्ञा कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरी प्रयास करेंगे तथा दो पहिए वाहन चलाते समय कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा ना कोई मैसेज भेजेंगे ना देखेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। महान यात्री कभी नहीं भूलो। महान यात्री कभी नहीं भूलो। एक मत रुकिएगा। बड़ा दिन। दुर्घटना से रही दूरी। दुर्घटना से रही दूरी। Thank you.
यातायात महा के अंतर्गत आज बच्चों की रैली निकाली है। यातायात महा के अंतर्गत यातायात जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा रैली आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS के वॉलंटियर्स के द्वारा एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकों के द्वारा यातायात पुलिस के साथ यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में VC गोरखपुर विश्वविद्यालय माननीय प्रोफेसर राजेश सिंह के द्वारा रैली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं इस अवसर पर VC महोदय द्वारा सभी विश्वविद्यालय के छात्रों एवं NSS के वॉलंटियर्स के लिए यातायात सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। इस रैली के माध्यम से युवाओं के अंदर यातायात नियमों का पालन करने तथा आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जनता को जागरूक करने का संदेश दिया गया। यातायात पुलिस सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करती है कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात के मामले में गोरखपुर शहर के लिए अन्य महानगरों की तर्ज पर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था जनता को दी जा सके। सर, किन किन रास्तों से ये रैली गोरखपुर विश्वविद्यालय से जिलाधिकारी आवास के सामने से होती हुई और तुमको ही तरह से होती हुई अंबेडकर और छात्र संघ चौराहा होते हुए वापस विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर समाप्त हुई। आज सरमाउंट इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा यातायात जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में मेरे द्वारा सभी बच्चों के लिए एक अच्छे कुशल चालक में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह उसको सड़क क्रॉस करना चाहिए, चौराहा किस तरह क्रॉस करना चाहिए, किस तरह यू टर्न लेना चाहिए, कब ओवरटेक करना चाहिए, इन सभी नियमों के कानूनी पहलुओं के लिए विस्तार से समझाया गया एवं ARTO श्री संजय नाथ झा के द्वारा लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया तथा वाहन को रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एवं वाहन के RC से मोबाइल लिंक कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। यातायात पुलिस के द्वारा सभी बच्चों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए एवं अपना फीडबैक देने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए मैपल्स ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने एवं मैपल्स ऐप के माध्यम से नेविगेशन करने हेतु भी सभी को निर्देशित किया गया एवं मैपल्स ऐप की बारीकियां बताई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से सभी परिवारों में एवं गोरखपुर वासियों में यातायात जागरूकता का संदेश फैलाना है। थैंक यू।